मौत की तरफ बढ़ता माजुली, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पीएम नरेंद्र मोदी कल असम में अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहे हैं। असम में खूब तैयारियां की गई हैं। इस जश्न के लिए असम में पूरी तैयारी और इंतजाम हो चुके हैं, लेकिन इसी असम में नदी पर बने दुनिया का सबसे बड़ा टापू दर्द में डूबा हुआ है। माना जा रहा है कि गुवाहाटी से करीब 350 किलोमीटर दूर मौजूद माजुली द्वीप मिट्टी के कटाव की वजह से 15 से 20 साल में डूब जाएगा। इस डर से यहां के लोग पलायन भी कर रहे हैं। माजुली का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। हाल ही में सरकार ने इस टापू को बचाने के लिए 243 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी है। माजुली का दर्द बताती जितेंद्र दीक्षित की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आसाम के महान कवि और गायक भूपेन हजारिका ने ब्रह्मपुत्र नदी की विशालता को वर्णित करने के लिए इसे महाबाहु नाम दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी कितनी विशाल है, कितनी प्रचंड है, कितनी गहरी है, इसका अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब हम आसाम के शहर जोरहाट से माजुली आइलैंड की ओर सफर कर रहे होते हैं। माजुली आइलैंड किसी नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टापू है। हम भी उसी आइलैंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह आइलैंड बड़ी ही तेजी से अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द ही ये इसी ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाने वाला है। भक्ति गीत गा रहा ये नाविक ईश्वर से माजुली की सलामती की दुआ कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी में मोटर बोट चलाकर ये अपने परिवार का पेट भरता है, लेकिन जिंदगी इसे कुदरत का दोहरा चेहरा दिखा रही है। जो ब्रह्मपुत्र नदी इसे रोजी रोटी देती है, वही नदी इसके घर माजुली को निगलते जा रही है। साल दर साल ये देख रहा है कि माजुली का तट पीछे की ओर खिसकते जा रहा है और हो सकता है आज जिस घाट पर ये अपनी मोटरबोट का लंगर डाल रहा है, अगले साल वो घाट ही ना रहे। माजुली टापू किस तरह से डूब रहा है, इसके सबूत माजुली पहुंचते ही मिलने लग जाते हैं। ये टूटा हुआ तटबंध भी यही बात कह रहा है। हर साल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ की मिट्टी के तटबंध ढह जाते हैं और मिट्टी पानी में मिल जाती है। माजुली टापू क्यों और किस तरह से नदी में डूब रहा है, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि माजुली है क्या और भारत के लिए ये किस तरह की अहमियत रखता है। करीब 530 वर्ग किलोमीटर में फैला माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना टापू तो है ही, ये भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यह है माजुली का दक्षिण पथ सत्र। माजुली में इस तरह के कई बड़े पुराने सत्र हैं जो कि संस्कृति और अध्यात्म के केंद्र हैं और ये सत्र भी अब खतरे में हैं। दक्षिण पथ सत्र को मिलाकर माजुली टापू पर 22 सत्र हैं जिन्हें 15वीं सदी के आसामी संत शंकर देव ने नव वैष्णव पंथ के प्रसार के लिए शुरू किया था। इन सत्रों को आसाम में एक लंबे अरसे तक राज करने वाले अहोम राजाओं ने संरक्षण दिया था। धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने के अलावा ये सत्र अहोम राजघराने की ओर से दिए गए उपहारों के संग्रहालय भी हैं। यहाँ करीब 500 साल पुरानी मूर्तियां, शंख, बर्तन, कपड़े वगैरह देखने मिल जाएंगे। दक्षिण पथ सत्र के एक कमरे में ये दिया बताया जा रहा है कि 364 सालों से लगातार जल रहा है। यह है बाली का मुखौटा और यह है राक्षसी पूतना। और अब देखिए, जंगल में रह रहे राम को मोहित करने चली रावण की बहन शूर्पनखा का मोहिनी रूप। समागुड़ी सत्र अपने तरह तरह के मुखौटों के लिए जाना जाता है। धार्मिक शिक्षा के अलावा हर सत्र में किसी न किसी तरह की कला को भी सिखाया जाता है।
ये खतरा का तो विशेष एक मास मेकिंग तो शुरू हुआ 1663 में, तो वह शुरू हुआ ये कल्चर अभी तक चल रहा है, ये मास्क का कल्चर तो ट्रेडिशन मेरा पिताजी बनाया ऐसे कल अभी तक चल रहा है ये मास्क कल्चर। गुरुजी ने इस मास्क को थोड़ा पहले जो मास्क था उससे थोड़ा डेवलप किया, तो अभी तो ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, और अभी हम बनाते हैं छोटे छोटे मास्क बनाते हैं, गुरुजी हमें सिखाते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं ना वो लोग माजुली से कुछ ले जाना सकते, तो हम लोग छोटा छोटा मास्क बनाते हैं वो ले के जाते। हर साल नवंबर महीने में यहाँ इन सत्रों की ओर से रासलीला आयोजित की जाती है, जिसे देखने के लिए देश भर से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए भी माजुली स्वर्ग है। माजुली में 260 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें स्थानीय पक्षियों के अलावा प्रवासी पक्षी भी हैं। माजुली में दाखिल होते ही आपको सड़क के किनारे जमीन से कई फुट ऊपर उठे बांबू के ये घर दिख जाएंगे। ये घर यहाँ की मिशिंग जनजाति के हैं, जो कि नदी के किनारे रहती है और बाढ़ से बचने के लिए जमीन से ऊपर उठाकर घर बनाती है। मिशिंग जनजाति की तरह ही माजुली में देवरी, सोनोवाल और कचारी कबीले के लोग भी रहते हैं। जो स्कूल आज से 500 ईयर्स का आसपास में बैठा है, अभी तक चल रहा है, लेकिन ये कल्चरल प्लेस अभी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बिकॉज जो एरोसन हुआ है ना, सबका साइड में एरोसन हुआ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कुदरती संपदा से संपन्न ये टापू साल दर साल छोटा होते जा रहा है। 19वीं सदी की शुरुआत में ये टापू 1250 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था, जो कि अब सिमटकर करीब 530 किलोमीटर का रह गया है। हर साल मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ इस टापू को औसतन करीब 8 वर्ग किलोमीटर छोटा कर जाती है। अगर यही हाल रहा तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह टापू अगले 20 सालों में पूरी तरह पानी में समा सकता है। जोरहट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ने अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की है कि माजुली के साथ जो हो रहा है उसे एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या के तौर पर लेना चाहिए। ड्यूरिंग द लास्ट two decades of this century, I think since 1982 2003 talk jada erosion hua, and around 800 square kilometer land area it is now reducing to I think approximately 530 square kilometer something like that at present। यहाँ पर इरोसन रोकने के लिए सरकार कर रहा है, लेकिन इतनी वर्ष से कर रहा है तो भी मछली बसा नहीं। मछली को बसाने के लिए आंतरिकता हार्टेडली काम करना चाहिए, तो अगर अभी नया सरकार आए हैं अगर उन लोगों ने करे तो अच्छा होगा, मछली बसेगा। यही तो हमारा आशा है, सेफ माजुली, यही मेरी नारा है। ऊपरी आसाम के इस टापू के दक्षिणी ओर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसके उत्तरी ओर सुबनसिरी नदी है। 1950 में इस इलाके में एक भीषण भूकंप आया, जिसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी लगातार अपनी धारा बदल रही है। साल दर साल ब्रह्मपुत्र की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर सरक रही है और माजुली की मिट्टी को अपने बहाव से काटते जा रही है। पहाड़ से जो पानी आता है ना, वो पानी ये प्लेन में घूमने लगता है। जब घूमने लगता है उसका शोषण का वाटर कारण का वो जो नेचर वो शोषण जैसा होता है, उसको जाके नीचे अंडर करेंट जाके वो कम से कम 20-25 फीट नीचे जो उसको काट देता है। वो ऊपर से आपको दिखाई नहीं देता है करेंट, वो नीचे से काटता है, वो कवरिंग डेप्थ बोलता है टेक्निकली। उसका कारण वो ऊपर का मिट्टी बह जाता है, ऊपर का जितना आप पेड़ पौधा लगाते हैं वो पेड़ पौधा भी चला जाता है इसका साथ। पानी के थपेड़ों से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए माजुली के तट पर कंक्रीट की ऐसी ढाले लगाई गई हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पॉर्क्यूपाइन कहते हैं, लेकिन इनसे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। जीव वैज्ञानिक प्रयोग भी काम नहीं आए। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट का तरफ से कोशिश किया गया था
2003 से 2007 तक हम लोग बायोलॉजिकल एनबैंकमेंट का कुछ काम किया था, लेकिन वी बिकम अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ डेट कवरिंग डेप्थ ऑफ द वाटर करंट। माजुली को डूबने से बचाने के प्रयासों में 90 के दशक में सक्रियता आई। संजय घोष नाम के एक समाजसेवी ने स्थानीय लोगों को एकजुट करके कटाव रोकने के उपायों पर काम करना शुरू किया, लेकिन 1997 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यानी उल्फा नामक अलगाववादी संगठन ने संजय घोष की हत्या कर दी। माना जा रहा है कि घोष की हत्या स्थानीय ठेकेदारों ने करवाई, जो कि बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सरकार से मोटी रकम वसूलते थे। संजय घोष ने बहुत अच्छा काम किया था। जिस समय में संजय घोष यहाँ पे आया था, उसी समय सारा माजुली को काम किया था माजुली सेफ करने के लिए, लेकिन उसी समय में कोई उल्फा और कोई लोग को उनको मार दिया, वो तो बहुत डेंजरस काम किया है। अभी जो इस समय जो संजय घोष आया था, उसी समय से अभी तक बहुत डेवलप हो सकता है। माजुली में फिलहाल करीब 1.5 लाख लोग रह रहे हैं, लेकिन हर साल यहाँ मानसून के दौरान जो तबाही मचती है, उसने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तक कटाव की वजह से 67 गांव उजड़ चुके हैं। माजुली पहुंचने से पहले जोरहाट में हमारी मुलाकात कुशराम भदाली से हुई। कुशराम का घर 5 बार बाढ़ की चपेट में आया और बाढ़ इनके खेत भी निकल गई। साल दर साल होने वाली इस त्रासदी से परेशान होकर कुशराम ने अपने परिवार के साथ माजुली छोड़ दिया और अब जोरहाट में किराने की दुकान चलाते हैं। तो आपको दुख है कि माजुली आपका जो इतना सालों पुराना, कई आप पीढ़ियों से रह रहे थे, उसको आपने छोड़? तो हमारा प्रेम है तो माजुली से, जो हमारा जन्म है ना, वो तो प्रेम था। कहेंगे माजुली से प्रेम बना हुआ है, लेकिन दुख है कि माजुली अभी डूब रहा है। डूब रहा है वो तो, बारम्बार डूब गया है। बहुत कष्ट होता है हमारा, तो जोरहाट से भागा। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का चुनाव क्षेत्र माजुली ही है, और इसलिए माजुली निवासियों को उम्मीद बंधी है कि उनके टापू को बचाने के लिए अब सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। सरकार ने भी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 243 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। हाल में हमारा मीटिंग था, उसमें 243 करोड़ का ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बजट लिया है, तो उसमें काफी सारा ऑलमोस्ट योजन प्रोटेक्शन कंट्रोल वर्क्स और बैंक रिबेटमेंट और स्पार प्रोटेक्शन, ये सब नेक्स्ट वन ईयर में होने की संभावना है, यहाँ पे होगी। इस सिलसिले में जब हमने मुख्यमंत्री सोनोवाल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि माजुली को बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सरकार ने बहुत जोर लगा रहा है और हमारी तरफ से अभी पिछली 6 महीना में हमने अब तक सारे एम्बैंकमेंट उसका रिपेयर किया, और अब ब्रह्मपुत्र बोर्ड को एक इलाका जिम्मेदारी दिया गया है, बिकॉज माजुली सम एरिया द रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टेड ऑन द सोल्जर ऑफ ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सो नाउ दे हैव टेकन इट अप एंड इवन ब्रह्मपुत्र बोर्ड हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए ऑफिस एंड गोडाउन इन द हार्ट ऑफ माजुली इटसेल्फ, बिकॉज अर्लियर दे डिडंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। माजुली के विकास के लिए सरकार ने पूरे टापू को एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कराने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। इस टापू का बाकी दुनिया से संपर्क का माध्यम नौकाएं ही हैं, लेकिन अब सरकार एक कोरियाई कंपनी की मदद से माजुली को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए एक पुल भी बनाने जा रही है। माजुली टापू कुदरत की ओर से इंसान को दी गई एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर माजुली टापू डूबता है तो न केवल सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा डूब जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ हमारी संस्कृति और इतिहास की वो धरोहर भी पानी में समा जाएगी, जिसे कि इस टापू ने सालों साल से सहेज कर रखा था। आसाम के माजुली से कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।